गुड इवनिंग आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जबरदस्त तरीके का लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण कि छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दरअसल जो छात्र क्लास 10 में थे, सीबीएसई उनके लिए बार बार ये कहती रही कि सिलेबस को कम करेंगे, सिलेबस का रिडक्शन करेंगे। और फाइनली आज सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया कि सीबीएसई के सिलेबस को कट किया जाएगा। अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो सीबीएसई की तरफ से जो अनाउंस किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 30% सिलेबस को 30% सिलेबस को कट कर दिया गया है। हम हर चैप्टर वाइज किस तरह से, किस चैप्टर में किस टॉपिक को कट किया गया, हम एक एक चैप्टर का फुल एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वाइडली इसको शेयर करें, ताकि क्लास 10 के छात्र जो भी इसको देख, जहां तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकेंगे तो हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। तो बिना समय बर्बाद किए हम एक एक चैप्टर को समझते हैं कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक को हटाया गया, किस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है, एक एक चैप्टर का फुल एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोग का है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, यानी पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका पहला चैप्टर है उसमें जो सिलेबस पहले था, ठीक है, जो भी चीज आपको पहले पढ़ना था, यानी कि पूरा चैप्टर पहले आपको पढ़ना था, अब भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, यानी उस चैप्टर में सीबीएसई के द्वारा छात्रों को किसी भी टॉपिक में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। अगला चैप्टर जो हमारा है एसिड बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर में भी जो कुछ पहले पढ़ना था वो सेम टू सेम अब भी पढ़ना है। इस चैप्टर में भी सीबीएसई के द्वारा किसी भी छात्र को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। अगला जो आपका चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें कुछ राहत मिला है छात्रों को, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आपको पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ना है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड तक आपको पढ़ना है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन और प्रिवेंशन, ये दो टॉपिक है जिसको कि पहले रखा गया था, ओल्ड सिलेबस में था जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। न्यू में इस दो टॉपिक को पूरी तरह से हटा दिया गया है। कोरोजन मतलब लोहे में जो जंग लगता है वो कैसे लगता है और कैसे उसको बचा सकते हैं, और मेटलर्जिकल प्रोसेस जिसमें कि लोहा को प्यूरिफाई, आयरन को, कॉपर को जो प्यूरिफाई करते थे, ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो दो टॉपिक है, जो एक चैप्टर के बीच का जो दो टॉपिक है उसको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर में थोड़ी सी राहत छात्रों को दी गई है। अगला चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, इसमें बम्पर राहत छात्रों को दी गई है। लगभग सिलेबस को कह लीजिए तो इस चैप्टर के लगभग मेन पार्ट को हटा दिया गया है। इसमें सिर्फ आपको कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ये पढ़ना है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है बस इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और होमोलोगस सीरीज, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक। नॉमन क्लेचर जो जिसकी शुरुआत होती है क्लास 10 में, जो कि 11 और 12 में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस पूरे पार्ट को हटा दिया गया है, यानी नॉमन क्लेचर को हटा दिया गया है, फंक्शनल ग्रुप हटा दिया गया है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बो हाइड्रोकार्बन को हटा दिया गया है, कंबसन ऑक्सीडेशन एडिशन तमाम तरह के जो रिएक्शन आपको याद करने थे वो सभी रिएक्शन को हटा दिया गया है। सॉप और डिटर्जेंट के बारे में आपको पढ़ना होता था तो उसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में छात्रों को बहुत ज्यादा ही राहत दी गई है। अगला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग जिस चैप्टर में पढ़ते थे, ये आपका इसके बाद वाला चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है, अभी तक हम लोग केमिस्ट्री पर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में भी किसी तरह का कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जो भी कुछ पहले था वो अब भी बरकरार है, यानी इस चैप्टर में भी छात्रों को किसी प्रकार से कोई राहत नहीं दी गई है। अगला लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है आप लोगों का, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, तो इसमें जो कुछ पहले था वो अब भी बरकरार है, यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी आपको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। अगला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें संपूर्ण रूप से किसी चैप्टर में राहत मिला है तो आपको इस चैप्टर में मिला है। ये चैप्टर में पहले जितना कुछ पढ़ना था पूरा चैप्टर पढ़ना था, अब नए सिलेबस में इस पूरे चैप्टर को पूरी तरह हटा दिया गया है, 100% कट कर दिया गया है सिलेबस को। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपको एकदम नहीं पढ़ना है। अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में आपको जितना पहले पढ़ना था उतना अब भी पढ़ना है, यानी कि रिप्रोडक्शन में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई राहत इस चैप्टर में भी नहीं दी गई है। जितना पहले था पुराने सिलेबस में था, नए सिलेबस में भी सेम टू सेम वही है। अगला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें भी लगभग जो पहले था वही आपको पढ़ना है, बस एक टॉपिक को हटा दिया गया है, यानी पूरे चैप्टर का नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, अब जो नया सिलेबस है इसमें चैप्टर का नाम सिर्फ हेरिडिटी है, यानी इवोल्यूशन को हटा दिया गया है।
बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन आपको नए सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इस पूरे जब सिलेबस सेशन खुलेगा तो आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं पढ़नी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के लिए। अगला नेचुरल फेनोमिना, ये पूरा ऑप्टिक्स को कवर करता हुआ, नेचुरल फेनोमिना में वो पूरा ऑप्टिक्स का पार्ट आता है जिसमें कि रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, दो चैप्टर इसके अंतर्गत आता था। तो लगभग जो पहले था वो अब भी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को हटा दिया गया, जैसे कि पावर ऑफ लेंस को हटा दिया गया है, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई को हटा दिया गया है, डिफेक्टिव विजन एंड देयर करेक्शन को हटा दिया गया, जिसमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वगैरह हम लोग पढ़ते थे उसको हटा दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, स्फेरिकल मिरर का जो एप्लीकेशन होता था कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, अगर आप इस पूरे पूरे जो भी मैं स्लाइड मेरे पीछे चल रहा है, आप मेरे पीछे आप जो स्लाइड देख रहे हैं, ये पूरे स्लाइड का पीडीएफ हम जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया इस सिलेबस को जरूर डाउनलोड करके अपने पास रख लें, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा चीज चेंज हुआ है कौन सा चीज चेंज नहीं हुआ है। अगला है इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोगों का चैप्टर था, इसमें जो कुछ पहले हमको पढ़ना था अब भी वही पढ़ना है, यानी इस चैप्टर में भी हमको किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं दिख रहा है, ना कोई चेंज लाया गया है, यानी 100% वही है जो पहले हमको पढ़ना था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये एक चैप्टर है जिसमें कि बदलाव किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, छात्रों को बहुत बड़ी राहत दी गई है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर को पूरी तरह से हटा दिया गया है, डायरेक्ट करंट को हटा दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को हटा दिया गया है, एडवांटेज एसी ओवर डीसी को हटा दिया गया है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हटा दिया गया है, यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी बहुत बड़ा कट किया गया है, इससे छात्रों को बहुत बड़ी राहत इस चैप्टर में भी दी गई है। सोर्स ऑफ एनर्जी, इस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ये अब नए सिलेबस में सोर्स ऑफ एनर्जी की वो एकदम हटा दिया गया है, यानी कि जिसमें आप सोलर एनर्जी विंड एनर्जी इस सब के बारे में पढ़ते थे, इसे पूरी तरह से नील कर दिया गया है, नए सिलेबस में आपको सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है। अगला है आवर एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले था आपको वही सेम टू सेम पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अगला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, पूरा पहले आपको पूरा पढ़ना था और अब पूरी तरह से इस चैप्टर को हटा दिया गया है, पूरी तरह से नील कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में अब भी बना हुआ है, कौन सा चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। आपके जो बाएं साइड है लेफ्ट साइड में ओल्ड सिलेबस है और आपके राइट साइड में न्यू सिलेबस है, तो आप इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जो नया सिलेबस आया है वो कितना चेंज आया है, कितना प्रतिशत चेंज आया है और किस चैप्टर से किस टॉपिक को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे कि छात्र आने वाले एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।